पुर्तगाल, आपके अपने YouTube चैनल देव यूनिक स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्रयोगशाला उपकरण, या हम बोलें लैब एपरेटस। मेरे पास कुछ उपकरण हैं और कुछ नहीं भी हैं, तो मैंने डायग्राम यहाँ पर बनाए हैं, तो मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए मेरे पास उपकरण है, ये मैं सब आपको अभी समझाऊंगा। मेरा आज का उद्देश्य यही रहेगा कि आपको उपकरण, प्रयोगशाला उपकरण याद करा दिया जाए। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर, और वीडियो एंड तक देखिएगा तो आप कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो आप, मैं आशा करता हूँ कि आप कुछ भी ना सीख पाएंगे, कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो मैं बात करता हूँ आपके लिए, देखिए यहाँ पर एक एक बात करेंगे, एक एक उपकरण की, और मैं याद कराता रहूँगा। तो कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, पेंसिल और रबर भी उठा लीजिए और शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके लिए, देखिए सबसे पहले मैं बात करूँगा एक एक उपकरण की। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखिए यहाँ पर ये, इसे हम बोलेंगे बास बोतल। क्या बोलेंगे? बास बोतल। ये है बास बोतल, इसका देखिए यहाँ पर पिक्चर भी है, कहीं ना कहीं है, आप इसे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसका बास बोतल का काम क्या है, जैसे क्या करते हैं, कोई भी हमें मटेरियल को धुलना होता है तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से इसे पुश करते हैं, दबाते हैं इसे, दबाएंगे देखिए इस तरीके से, और ये पानी निकलेगा, ये देखें इस तरीके से। नेक्स्ट की हम बात करें बीकर, दैट इज बीकर। बीकर में कोई भी सोल्यूशन या कोई भी सॉलिड, उसको क्या करते हैं, घोलते हैं। सॉरी। नेक्स्ट ये है ग्लास रॉड। ग्लास रॉड भी आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में मैंने बनाया है, ये देखिए बीकर, ग्लास रॉड, क्षण। इसे क्या करते हैं हम, जैसे इसमें क्या किया आपने, चीनी जल को डाला, तो इस तरीके से इसे स्टायर करेंगे, हिलाएंगे, घोलेंगे इस तरीके से। ये तो तीन उपकरण याद हुए होंगे मैं मानता हूँ। नेक्स्ट देखिए, ये मेरे पास बीकर है, ये देखिए छोटा बीकर, इसमें देखिए यहाँ पर ये 50 ml छोटा सा बीकर है, 50 ml। जो भी मैंने बड़ा वाला दिखाया था वो 250 ml का था, 250 ml। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये है आप देखिए टेस्ट ट्यूब, इसे क्या कहेंगे, टेस्ट ट्यूब। इसमें जैसे हम क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल को गर्म भी कर सकते हैं, बोरोसिलिकेट कांच की बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब होल्डर, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब होल्डर। इसे देखिए क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर इसके माउथ में फंसाएंगे ये, और यहाँ से इसे ये इंक्रीज करेंगे इसका, ये ऐसे ये, और आप क्या करेंगे, ये स्प्रिट लैंप में आप इसे, ये स्प्रिट लैंप है, इसे इस तरीके से आप गर्म कर सकते हैं। आपने इधर नहीं करना है, वरना क्या है, जो भी आपके इसमें केमिकल हॉट होगा, गर्म होगा, तो आपके चेहरे पे आ जाएगा, स्किन जल जाएगी, हो सकता है लाइट भी चली जाए। तो ये आपको याद रखना है, लैब में घुसते समय आपको क्या करना है, बहुत सावधानी बरतनी है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही चले गए, और वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर, टीचर की प्रेजेंस में जितने भी काम करने हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही अपने आप लिए बस केमिकल मिला दिए, केमिकल मिलाएंगे तो पता चलिए ऐसी गैस बन जाएगी ना बस, तो बेहोश हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये याद हुआ टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए ये सिलाइड क्या है, सिलाइड है। जब भी आपने ब्लड चेक कराया होगा तो आपने देखा होगा सिलाइड पर जो भी ब्लड होता है एक ड्रॉप डालते हैं, डालने के बाद इसका क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, ब्लड ग्रुप का टेस्टिंग करते हैं। और देखिए यहाँ पर सिलाइड बनाती है, बनाई जाती हैं। परमानेंट सिलाइड दो प्रकार से बनाई जाती हैं, एक टेम्परेरी होती है अस्थाई सिलाइड और स्थाई सिलाइड। तो एक तो टेम्परेरी और एक परमानेंट। आप कक्षा 9th में बनाया होगा प्याज की झिल्ली की सिलाइड बनाई होगी। ऐसे ही यहाँ पर अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन के लिए भी आपको ओनियन रूट टिप की भी सिलाइड बनानी पड़ती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे पराक्कण कक्षा 10 में क्या है, कक्षा 10 में ही पराक्कण की सिलाइड बनाई जाती है और आपकी टीचर बनवाएंगे और आपको माइक्रोस्कोप के नीचे भी दिखाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, देखिए नेक्स्ट ये है कवर स्लिप। इसमें क्या है, कवर स्लिप, ये देखिए यहाँ पर कवर स्लिप, ये ऐसे करके ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर डायग्राम में बनाया भी, ये मैंने डायग्राम में यहाँ पर बनाया, ये है, ये देखिए कवर स्लिप। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, ये है आपका ड्रॉपर। ड्रॉपर ड्रॉपर आप देख सकते हैं इसमें कहीं ना कहीं होगा, दिमाग लगाइए, ये देखिए कहाँ पर है, ये है ड्रॉपर, ये है ना ड्रॉपर, ये है। इसे क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड का छोटा सा अमाउंट अगर दूसरे में स्टेनिंग करने के लिए दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, एक दो ड्रॉप ले सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर एक एक ड्रॉप करके डालेंगे, है ना। ये फनल या हम बोलते हैं कीप, ये देखिए दो हैं यहाँ पर, एक छोटी कीप है एक बड़ी कीप है, फनल है। इसमें भी क्या किया जाता है, जो भी मटेरियल आपका लिक्विड है ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक बीकर से दूसरे बीकर में क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो बीक की सहायता से करेंगे या टेस्ट ट्यूब में डालना है। क्योंकि केमिकल्स होते हैं बहुत हार्मफुल होते हैं, अगर स्किन पर गिर गए ना तो जल जाएगा, बर्निंग कर देगा, तो आपको ये बहुत सावधानी बरतनी होती है लैब में। नेक्स्ट हम बात करें, दैट इज़ मेजरिंग सिलेंडर। कभी कभी आपने गए होंगे पेट्रोल पंप पे, तो पेट्रोल पंप पे क्या होता है, मशीन अगर ख़राब हो जाती है तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि कभी कभी इसी से भी नाप के डालता है। तो ये देखिए आपका यहाँ पर 50 ml का है बीकर, ये ध्यान से देखिएगा है, ये 10, 20, 30, 40, 50 है, 50 ml। क्या नाम है इसका, मेजरिंग सिलेंडर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो सभी को पता होगा, है ना, सभी को पता होगा। हाँ, नाई की दुकान पे जाते हैं ना तो क्या करता है, बाल काटता है, तो इसे क्या कहते हैं, देखिए कैंची, सीजर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए ये सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप, ये देखिए यहाँ पर एडजस्टमेंट नॉब है, लार्ज एडजस्टमेंट नॉब। इससे क्या होता है, ये बॉडी ट्यूब अप एंड डाउन होती है, ये देखिए है ना, ये है, ये मैं पूरा आपको विस्तार से पढ़ाऊँगा इसमें माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप देख सकते हैं इसमें बनाया है मैंने, ये है। नेक्स्ट देखिए, ये स्पिरिट लैम्प है ना, स्पिरिट लैम्प, इसे बोलते हैं तीन पैरों वाला स्टैंड। ट्राई मींस तीन, पॉड मींस पैर, स्टैंड है ये खड़ा हुआ है, स्टैंड है, ट्राई पॉड स्टैंड ये है। नेक्स्ट ये है क्रूसिबल, क्रूसिबल इसे ये देखिए यहाँ पर चाइना डिश भी बोलते हैं इसे।
इसमें क्या होता है, कोई भी आपका सॉलिड मटेरियल होता है, इसे हीट किया जाता है। ये इतना टेम्परेचर मेंटेन कर लेती है ना, आप तो दंग रह जाएंगे। अबव 3000 डिग्री सेल्सियस पर भी ये पिघलती नहीं है। आप इसमें लोहा डालिए, लोहा भी गर्म हो जाएगा भाई, है ना कमाल की। तो आप केमिकल्स को क्या करेंगे, इसमें गर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, ये देखिए पेट्री डिश, इसमें आप क्या करते हैं, पेट्री डिश है, इसमें आप, इसमें बनाया है मैंने, इसे देखिए पेट्री डिश। ज़रा थोड़ा सा माइंड कीजिएगा, ये देखिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका, ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये पूरा है, ये है पेट्री डिश, पूरा पेट्री डिश है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें, ये देखिए बाच गिलास, क्यों कह रहे हैं बाच गिलास, ये देखिए घड़ी, ये ऐसे करके होता है ना, ये घड़ी, घड़ी के ऊपर होता है। अगर आपके यहाँ दीवार घड़ी हो, दीवार घड़ी हो, या उसमें आप देखेंगे उसके ऊपर भी ऐसे रहता है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर कितने, ये ऐसे समझिए कितने बजेंगे, यहाँ पर 12 o'clock, यहाँ पर 3 o'clock, 6 o'clock, और यहाँ पर बोलिए 9 o'clock। इस तरीके से यहाँ पर आप, ये घड़ी में ये शीशा होता है लगा हुआ, इसीलिए इसे बाच गिलास भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये है वायर गेज, वायर गेज, ये जो सब्सटेंस होता है ये एस्बेस्टास का बना हुआ होता है। किसका, एस्बेस्टास का। देखिए हम क्या करते हैं, किसी भी कांच के एलिमेंट को, कांच को क्या करते हैं, आपने देखा होगा डायरेक्ट गर्म नहीं करते, इसे इस तरीके से गर्म करते हैं। गर्म करेंगे, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे, और मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ पूरा स्टैंड बनाकर, ये, और ये बन गया। देखिए बोलिए क्या क्या है, टेस्ट ट्यूब, बीकर, और बोलिए वायर गेज, ट्राइपॉड स्टैंड, स्पिरिटलैम। यहाँ पर ये डायग्राम देख सकते हैं आप पूरा, ये बन गया। मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। देखिए, और इस चीज को ये मैंने बनाया है, है पूरा ऐसे, देखिए देखो ये कॉनिकल फ्लास्क है, यहाँ पर ये बीकर मैंने रख दिया है। फ्लास्क भी कई तरीके के होते हैं, एक तो होता है फ्लैट बॉटम फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क, तो इसकी जो पिंदी होती है, तली होती है, वो राउंड होगी। तो ये इसमें तो इस चीज़ देख सकते हैं, ये याद कर लीजिएगा, ये आपके लैब में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो चलिए एक बार हम फिर से रिमाइंड करते हैं, क्या क्या मैंने बताए, ये देखिए यहाँ पर बीकर, ग्लास रॉड, हाँ स्पैचुला, ये लैब में क्या किया जाता है, केमिकल्स को, जैसे डिब्बा में क्या है केमिकल है उसे निकालने के लिए, हाथ से नहीं निकालते कोई भी केमिकल, हमेशा याद रखिएगा, वरना क्या बर्न हो जाएगा। फ्लास्क, फ्लास्क भी कई तरीके के होते हैं, एक तो राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, ये इस तरीके से आपने देखा होगा, ये गोल पेंदी का फ्लास्क, और ये कॉनिकल फ्लास्क है, कोन लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर वायर गेज, ट्राइपॉड स्टैंड, ये स्प्रिट है, स्प्रिट लैम्प। नेक्स्ट ये ब्रश, ये क्या करता है, टेस्ट ट्यूब को साफ करने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पेटी डिस्क, ये अभी मैंने दिखाया था, क्रूसिबल ये भी दिखाया था, टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर, मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर के बाद देखिए फनल, फनल अभी मैंने आपको दो दिखाई थी, कवर स्लिप, स्लाइड भी दिखाई थी, ये आपका टेस्ट ट्यूब होल्डर है, वॉच ग्लास ये दिखाया था, घड़ी अभी बताया था, घड़ी के जो ऊपर होता है स्टेथोस्कोप, इसे हार्ट बीट नापते हैं, ये है मैग्नीफाइंग ग्लास। आप देखिए जब क्या होंगे, बूढ़े होंगे ना,
तो इसी से आप पढ़ेंगे अखबार, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर इसी से पढ़ेंगे, जूम करके भी दिखता है। शहरों में पढ़ते हैं, आप भी पढ़ेंगे, शहरों में भी पढ़ते हैं, गांव में भी पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, जिसकी जब आँख वीक हो जाती है, जब दिखता नहीं है। नेक्स्ट रेंज ये है मैग्नेट, इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ये बास बोटल अभी दिखाया, थर्मामीटर इस ये तो पता है, ये 35 से 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मिन यहाँ पर रीड करता है। और आपको पता होगा कितना है बॉडी टेम्परेचर, कितना होता है बोलिए, 37 डिग्री सेल्सियस। ये आपका कैंची। नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब होल्डर, इसमें टेस्ट ट्यूब रखी जाती हैं। थ्री है डिल जिसे बोल रहे हैं, माइक्रोस्कोप। तो अगर आपने कुछ न्यू सीखा हो इसमें वीडियो में, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, कुछ ना कुछ इस वीडियो से आप ज़रूर सीखेंगे, नया कुछ सीखेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।